उत्तर प्रदेश के रामपुर से चरमराई प्रशासन व्यवस्था का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ रामपुर के जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह जिले को स्वच्छ, सुंदर और अनुशासित बनाने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन व्यवस्था चला रहे अधिकारी कर्मचारी लालच के चलते व्यवस्था बिगाड़ने पर आमादा है। रामपुर पुलिस की अंधेर नगरी की गाथा बयां करती यह कहानी रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र की गाँव वहपुरा की है, जहां बीते नवंबर महीने में पीड़ित जगराम पर जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपियों को पुलिस ने खुला छोड़ रखा है, जिसके चलते गुंडे बदमाशों दबंगों का इलाके में दबदबा है और वो आज भी पीड़ित को डराते धमकाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। अब वो जमीन को मैं जोतने लगा, ये लोग बार कह रहे थे तू इसी जमीन को मत जोता, इसी जमीन को हम ही जोतेंगे। मालिक रामपुर वाले आए थे, वो जमीन मुझे दे गए थे। अब वो जमीन मैंने जोत ली थी। अब वो जमीन जोतने रही तो बोले कि हम तुझे जमीन जोतेगा, तू देख लिए बाद में। अब उन्होंने साहब मेरे जगत सिंह महावीर साहब इसी ही रंजिश के पीछे जमीन के खातिर साहब मेरे गोली मार दी। उन दोनों भाइयों साहब बहुत बेतरीका से मारा मुझे। घर वाले ले जाके साहब मुझे उनसे उठाया, उठाने के बाद थाने ले गए। थाने में जान के वो पार्टी हुआ मौजूद थी थाने में, वो मौजूद थी पार्टी, और मेरे वहाँ CO साहब ने और SO साहब ने मेरे बयान लिए थे कि तुझे कितने मारा है। तो मैंने यही उन्होंने बयान लिए मेरे जगत सिंह महावीर के नाम रिपोर्ट निकाल लिखा कर। वहीं पुलिस भी अपराधियों को छोड़कर पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित कर रही है। पीड़ित के नाबालिग भतीजे जो कि मामले में चश्मदीद भी है को शिकार बनाकर पटवाई के दरोगा प्रमोद कुमार ने उससे मारपीट कर 50,000 की मांग रखी है। वहीं उस पर ही अपने चाचा गजराम को गोली मारने का बयान देने को दबाव बनाकर फर्जी वीडियो बनाया, जिसके आधार पर पुलिस पीड़ित को ही परेशान कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पटवाई थाने की पुलिस पीड़ित को इंसाफ कैसे दिला पाएगी। वहीं गजराज का कहना है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेगा। रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।